बहुत लंबी लंबी फेंक रहे नीरज हर कवि को पढ़ा रहे लंबी। एक आदमी लंबी लंबी फेंक रहा था, उसने कहा मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा बस हमारे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। नीरज पांडे ने कहा इतने हमारे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए नीरज पांडे के लिए। हल्के न लो, हमारे जिले की शान है। हाँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहा। इस श्लोक के माध्यम से हमको बुलाया, और जानते हो किसी देवता का आवाहन इस श्लोक के माध्यम से होता है। अगर ये श्लोक बुला के न हमको बुलाता तो हम इसको परलोक भेज देते। तालिया थोड़ा घनीभूत करो, बाद में नंबर आया। यहाँ पे दो ही अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, एक गजेंद्र प्रियांशु है, एक हम हैं। नहीं मजाक की बात थोड़े, चार चार देशों की यात्रा करके आया हूँ। पहले हिंदुस्तान में पढ़ा, फिर आर्यावर्त में पढ़ा, फिर इंडिया में पढ़ा, अब भारतवर्ष में पढ़ रहा हूँ लखनऊ में। एक ही दिन में, एक ही समय में चार चार देश। अच्छा ये हरेंद्र, हरेंद्र कह रहा है बार बार कह रहा था मैं गुजरात से आया हूँ जहाँ के महात्मा गांधी, मैं गुजरात से आया हूँ जहाँ का नरेंद्र मोदी, मैं गुजरात से आया हूँ जहाँ मैं फिल्मों का पुराना स्टार संजीव कुमार। हम कहा है बापू आसाराम कौन लखनऊ का था। इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो भाई गुजरात की? आनंदी बेन पटेल, अरे चलाओ, चलाओ। क्या तालियां झोंके साहब, क्या गजब के फूल मालाएं झोंक रहे हो। अद्भुत कवि है भाई चेत राम जी गुरु, बहुत अच्छा। अब चार पंक्तियां तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा रहा हूँ। जिसको देखो मास्क लगाए घूम रहा है, जिसको देखो सैनिटाइज, जिसको देखो ज्ञानी जी तो मास्क लगा के बोल रहे थे, तो हमने कहा मास्क लगा के काहे माइक में बोल रहे हो, तो बोले आवाज छन के निकलती। देखो हम मास्क उतार दिए, हम कोरोना वोरोना से नहीं डरते, कोरोना वायरस से बिल्कुल ही नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? चार पंक्तियां झोंक रहा हूँ चेतराम जी, बर्दाश्त करो। कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, संभालो। काश, बहुत खतरनाक पंक्तियां, होली का माहौल, ठीक से बैठो। काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, और मैं चेतराम की बीबी को गले लगा लूं, भले हमको कोरोना हो जाए। देखो भैया हम एकदम सीधी बात करते, हमने जो कुछ सीखा है कविता के तत्व जो भी सीखे आदरणीय प्रियंकर दादा से सीखे। बिल्कुल, इन्हें इन्हें इन्होंने हमारा हाथ पकड़ के, कलम पकड़ के हमको सिखाया, अगर कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो। पुलिस की बात तो दादा बिल्कुल न करो। पुलिस, अरे पुलिस को आप हल्के में ले रहे हो क्या? हमने क्लास में एक दिन बच्चे से पूछ लिया कि महाभारत क्यों हुआ था। उसने कहा महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी ने कहा कि महाभारत में द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंधे होते, इसलिए महाभारत हुआ। एक लड़के ने क्लास में कहा नहीं गुरुजी, महाभारत दुर्योधन के कारण हुआ। दुर्योधन बहुत जिद्दी था, वो कृष्ण के समझाने पे भी नहीं माना, उसने कहा युद्ध ही होगा। तीसरे लड़के ने कहा गुरुजी दोनों उत्तर गलत, महाभारत होता ही ना अगर पुलिस होती तो। बहुत अच्छे, दोनों पार्टियों को बुला के थाने में ले दे के मामला निपट जाता। ताली बजाओ पुलिस के नाम पे, पुलिस के तो कोई डरे नहीं। हाँ, एक बार हम इसी तरह हमारे मुंह से निकल आया पुलिस भ्रष्ट है। एक दरोगा जी डंडा लेके आगे भी हड़का के गए गुरु तुमको कि 200 आदमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम गिनेंगे कितने आदमी, अगर ज्यादा होंगे तो बाहर कर देंगे अभी हम इनको, हटा दे कि FIR तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन बहुत निडर है भाई, मैं चेतराम को बधाई देता हूँ। और ये इतना अच्छा बंदा है कि दिल का भी साफ और दिमागों का साफ है। नहीं आप गलत समझ रहे हो, इसके दिमाग में कोई गंदगी है ही नहीं। मतलब जैसे सफाई अभियान चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी मैं आया तो भौली में एक आदमी लोटा लेके लेट्रिन जा रहा था। अच्छा, हमने उसको डांटा, हमने कहा मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, यहाँ के प्रधान ने इतने शौचालय बनवाए हैं, तुम ससुरदार लोटा लेके बाहर जा रहे हो। उसने कहा तुम अपना काम करो, विपक्ष में। तो हम कहा यार ऐसा विपक्ष कौन काम कर, तुम लोटा लेके बाहर जा रहे हो। तो
विरोध है, लोग अपने अपने ढंग से विरोध करते हैं। अभी ऐसा आया बेचारा गुजरात से आ रहा है, इसके पास छुट्टे नहीं थे तो इसने हमसे कहा कि नरकंकाल हमको 500 के छुट्टे दे दो। हमारे पास जो थे हमने गिन के दिया, इसने गिना कहा गुरु ये तो 130 है, 370 कहाँ। हम कहा वो खत्म है, उसको न मांगो। तालियां बजाना तो जोरदार, ये हल्के क्या बात है भाई। अतुल वाजपेयी वो नाम है जिसने राम पे लिख दिया है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने कहीं लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो राम पे जिसकी कलम चल गई वो जो है पूरे विश्व स्तर पे विख्यात हो जाता है। लेकिन कठिनाई ये है, कितना कठिन राम पे इन्होंने लिखा है कि हमको हिंदी शब्दकोश लेके उसका अर्थ समझना पड़ा, 17 दिन लग गए। एक बार अतुल वाजपेयी के सम्मान में तालियां हो जाए। गजल के लिए पुकारा गया है सास को, बेचारे ओज पढ़ के चले गए। इनकलाबी गजल, द्रौपदी उठो कृष्ण नहीं आएंगे, काहे नहीं आएंगे, सीता राम नहीं आएंगे, अरे राम नहीं आएंगे, राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं है, सीता के बिना राम को कोई, ऐसा न कहो। नारियों का जागरण ठीक है लेकिन इतना न जगाओ कि वो हम लोगों से एकदम, हमारी शादी हो रही थी दोबारा नहीं, नहीं शादी जब हमारी पहली बार हुई तो पंडित से हमने पूछा कि ये बताओ पंडित जी पत्नी को दाएं बैठाएं कि बाएं बैठाएं। उसने कहा अभी चाहे जहां बैठाओ, बाद में खोपड़ी पे बैठेगी। तो नारियों का इतना ज्यादा उत्थान क्यों कर रहे हो? दादा प्रियंकर जी की अध्यक्षता को प्रणाम करता हूँ। हाँ बिल्कुल प्रणाम करता हूँ, देर लगा दी। जिनकी अध्यक्षता में हम लोग गौरवशाली काव्य पाठ कर रहे हैं जी। अगर लग रहा है तो एक बार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा, तालियां बजाते रहोगे तो हमको विद्वता का भ्रम बना रहेगा। अभी तक आप बड़े बड़े कवियों की बड़ी बड़ी रचनाएं सुन रहे थे, अब दो कौड़ी की कविता सुनो। आजकल दो कौड़ी की कविताएं मंचों पे चलती, बहुत कठिन लिख दोगे क्या मतलब? नरकंकाल का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? तुमसे नरकंकाल से बहुत ज्यादा निरालापन तो दिनकर की उम्मीद करो। यह उम्मीद निराला से लेके जो नरकंकाल तक देश आ गया ना, बहुत ज्यादा कठिन। होली का माहौल, मस्ती का काम करो। चलिए हम कोरोना से शुरू करते हैं, क्यों? कोरोना का माहौल फिर होली तक आ जाएंगे। अगर दो कविताएं पढ़ेंगे, अगर पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। बाप रे बाप, राधे श्याम भारती की आत्मा हमारे अंदर घुसी हुई। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। चेतराम जी से मैंने कहा नरकंकाल को बुला लो, राधे श्याम नहीं आने वाले। हाँ सही बात है। आज हमारा आज कार्यक्रम बंगलौर में लगा था, हमारी फ्लाइट छूट गई तो हम कहा चलो लखनऊ ही पढ़ देते, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, इतने हल्के में जो ले रहे हो ना आप लोग, बहुत गलत। वकील साहब के रहते हुए इतनी सफाई से आदमी झूठ बोल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखो वकील, वकील अब वकीलों की क्या स्थिति भाई? अगर कोई वकील कब्रिस्तान से निकलता तो मुर्दे खुदे पूछते हैं कि वकील साहब हमारा केस चल रहा कि खत्म हो गया। हमारे मोहल्ले में एक वकील साहब थे, तो एक आदमी की पत्नी से नहीं पट रही थी, वकील साहब के पास गया, कहा वकील साहब ये बताओ हमको पत्नी से तलाक लेना, खर्चा बताओ। तो यही वकील साहब थे, इन्होंने कहा 25,000 रुपया लेके कल शाम को हमारे घर आओ। जब 25,000 रुपया लेके इनके घर गया तो देखा है खुदे बर्तन मांज रहे थे। अच्छा फिल्मों के भी बड़े शौकीन हैं। एक दिन पत्नी को इन्होंने फिल्म रांझना दिखा दिया। जब फिल्म रांझना दिखा दिया तो पत्नी जब रांझना देख के आई तो बोली मेरे रांझना बर्तन सारे मांझना। तालियां बजाओ, वकील जहां के होंगे वहां के होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूं नीरज, पिछले वर्ष और पिछले वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यक्रम था, जज बैठे थे, वकील सब बैठे थे, वहां पास के बगैर कोई नहीं जा सकता था जी। हमने एक शब्द किया, एक टिप्पणी किया जी। हमने कहा माननीय न्यायाधीशों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पहली बार हमको सम्मान के साथ बुलाया, नहीं सम्मने भेज के बुलवाते हैं। वाह, देखो एक श्रोता ये भी आ गया। क्या बात है गुरु, मंच पे नरकंकाल भर, थोड़ा तालियां बजा दो तो हम शुरू हो जाए। अभी तक तो हम खाली आपको लफाजी मार रहे थे जी, कविता तो आप शुरू करेंगे।
प्रधानी के इलेक्शन बहुत जोरों पे है। प्रधानी के इलेक्शन दो चरणों में होता है, पहले उम्मीदवार आपके चरणों में रहेगा, इलेक्शन के बाद आप उसके चरणों में रहोगे। नहीं नहीं ये हो रहा आजकल। तो हम नीरज हमारा मन वहीं से शुरू कर देते हैं। शुरू करो जहां से मन हुए शुरू करो। जो भाई चेतराम जी तुम जहां खड़े हो जाते हो वहीं से लाइन। आज मेरा मन हाथ से पढ़ने का नहीं, हम करोड़ पढ़ना चाहते हैं। अगर दादा आपका आदेश हो तो पढ़ दो, हाथ से पढ़ो चाहे करुण पढ़ो कौवा पढ़ो देखो चाहे गरुण पढ़ो। हाँ। प्रियंका दादा हमारी चेसिस पे हंसते हैं। हाँ। प्रियंका दादा इसलिए हंसते हैं कि हम बोतल का दूध पी के बड़े हुए और ये बेचारे भैंस को उठा के चूस लेते थे। नहीं नहीं लग रहा होगा ना आपको। अरे बहुत खतरनाक आदमी, एक बार तालियां बजाओ साहब। नहीं नहीं ये बताओ लग रहा ही नहीं। बुरा न मानो होली, बुरा न मानो होली। अध्यक्ष तो काबा होली का रंग हम पे भी चढ़ा, बारात में भी डांस कर रहे थे। अरे जब डांस कर चुके तो हमसे बोले नरकंकाल डांस कैसा लगा। हम कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा लेकिन आज का डांस पहली बार देखा।